this is a convex lens. It is a objective lens. Objective lens और eyepiece, दो lens होते हैं, दोनों convex होते हैं. तो objective lens जो है, इसके आगे object रखा हुआ है, right? तो एक मान लो कि ये object रखा है, इसको मैं A बोल देता हूँ, ठीक है? और एक और object रखा है B. तो इसको क्या करते हैं? ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इसको इस दो पॉइंट्स के इमेज बनाने हैं, राइट, डिस्टिंक्ट इमेज, यानी उन दोनों को रिजॉल्व करना है अच्छे से. तो अभी ये जो ए है, राइट, तो ए का इमेज बनेगा इधर, यहां से ये मान लो कि जो रेज गए इस तरह से, ये ए का इमेज बन गया इधर, यहां बन गया, ये बन गया कुछ ए डैश, ठीक है. This is A dash, A का इमेज, ओके. अब ये जो B है, तो B का इमेज बनेगा, तो B जो है उसको B से आने वाले रेस, B से आने वाला एक ये रे यहाँ जो आ रहा है और यहाँ पे, करेक्ट. तो इसका इमेज थोड़ा नीचे बनेगा यहाँ पे, इसी जगह पर ऑलमोस्ट. तो ये बन जाएगा यहाँ B dash. तो ये दोनों जो इमेज है, राइट, यहाँ पे जो इमेज बने, ये दोनों क्लियरली डिस्टिंक्टली कब हम लोगों को दिखेंगे? तो उसके लिए बहुत सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग है कि जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होगा सेकेंड वाले का, यानी इसका जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है सेकेंड वाले का, मस्ट लाई ऑन द फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम ऑफ द फर्स्ट वन, राइट, डिफ्रैक्शन पैटर्न. सो देयर विल बी टू डिफ्रैक्शन पैटर्न. अभी इसका एक अलग डिफ्रैक्शन पैटर्न होगा, इसका अलग डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा, है ना, यानी इसका एक अलग डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा, इसका एक अलग डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा दोनों पॉइंट का. तो वो जो डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा, तो जैसे अभी ए डैश का जो इमेज बना है उसका जो डिफ्रैक्शन पैटर्न बना है इस तरह से, राइट. तो ये क्या है, ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज किसका, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का, और ये है फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा फर्स्ट ऑब्जेक्ट का, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट का डिफ्रैक्शन पैटर्न है. तो जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है उसका जो डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा, अगर उसका सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, उसका जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, यानी सेकेंड वाले का सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, वो लाई करना चाहिए फर्स्ट वाला जो है, फर्स्ट वाला उसके फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा के ऊपर. तो फिर ये जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है पहले वाले का और ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज दूसरे वाले का, ये हमें डिस्टिंक्ट जस्ट रिजॉल्व वाला कंडीशन हमें मिल जाएगा. कौन सा कंडीशन मिल जाएगा? जस्ट रिजॉल्व वाला कंडीशन. तो वो बताया जा रहा है कि ये यहाँ पे जो आप देख रहे हो, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कैसे कितना होना चाहिए. तो वो डिस्टेंस यहाँ से आपको पता है कितना होना चाहिए, क्योंकि ये जो यहाँ से एंगुलर सेपरेशन है वो हमने देखा था कितना होता है, लैम्डा बाई ए होता है. तो लीनियर सेपरेशन जो है यहाँ पे वो कितना होगा, वो होगा लैम्डा डी बाई ए, लैम्डा डी बाई ए, सही है, कितना आया था. तो लैम्डा डी बाई ए ये आया, यानी ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे, ये वाला जो डिस्टेंस है ये कम से कम भी लैम्डा डी बाई ए तो होना चाहिए, लैम्डा डी बाई ए, समझ में आ रहा है आप लोगों को, राइट. तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये मिल गया हम लोगों को लैम्डा कैपिटल डी बाई ए, ठीक है, ऑलराइट. तो ये कंसेप्ट यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं कि ए बी के बीच में कम से कम कितना डिस्टेंस होना चाहिए, या कम से कम कितना जो डिस्टेंस होगा जिसको ये माइक्रोस्कोप का ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो उसको रिजॉल्व कर सकता है. तो आप कंडीशन क्या लगाओगे, आप कंडीशन यहाँ लगा दोगे कि ये एक्स कम से कम इतना तो होना चाहिए लैम्डा डी बाई ए, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोग ये वाला डी निकालेंगे, समझ में आपको, डिस्टेंस बिटवीन लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन निकालेंगे. क्या निकालेंगे? लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन की ए और बी, ये जो दो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये दो पॉइंट ऑब्जेक्ट के बीच में मिनिमम कितना पॉसिबल डिस्टेंस है जिसको वो रिजोल्व कर सकता है, वो मिल जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे जस्ट रिजोल्व का कंडीशन डाला है. तो जस्ट रिजोल्व कंडीशन के लिए आप डी निकालेंगे, तो आपको लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ही मिलेगा, ये डिस्टेंस जो आएगा वो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन के बराबर ही होगा. ये पॉइंट समझ में है? तो इसको जो है फर्दर कैलकुलेशन करने के बाद ये डी जो है वो निकल के आता है, डी निकल के आता है 1.22 लैम्डा बाय
2 by 2 sin alpha. ठीक है, अब सवाल ये है कि sin alpha क्या है, what is this sin alpha या alpha? तो ये जो एंगल हम लोग देख रहे हैं राइट, यहां से ये वाला एंगल, ये है अल्फा और ये भी अल्फा है, तो दिस इज अल्फा एंड अल्फा. ठीक है, ये समझ में आपको? ऑलराइट, तो व्हाट इज दिस अल्फा? अल्फा इज द, और 2 अल्फा इज द एंगल सबटेंडेड बाय द एपर्चर एट ए. तो ये एपर्चर है, एम एन क्या है, इज द एपर्चर, यानी उसका टोटल यहां से यहां तक का जो विड्थ है राइट, लेंथ ऑफ द लेंस यहां से यहां तक का. सो एम एन, तो अभी आप देखो दिस एम एन इज व्हाट, एम एन इज द एपर्चर राइट, करेक्ट ऑलराइट, ठीक है ना. तो दिस इज द एपर्चर एंड दिस इज अल्फा एंड दिस अल्फा, सो दिस टोटल एंगल बिकम्स 2 अल्फा. सो व्हाट इज 2 अल्फा? 2 अल्फा इज द एंगल सबटेंडेड राइट बाय दिस एपर्चर एट पॉइंट ए. ये जो एपर्चर है तो इस पॉइंट पे एंगल सबटेंड कर रहा है 2 अल्फा. तो ये 2 अल्फा और ये जो कंडीशन है यहां पे x वाला, ये सब यूज करके जब हमको d निकालेंगे तो वो d निकल के आएगा 1.22 लैम्डा बाय 2 sin अल्फा. तो हमें ये वैल्यू याद रखना है. तो माइक्रोस्कोप के लिए ये जो d है ये है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन. ठीक है, और इसके लिए कंडीशन ये है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं यानी a और b जो है वो होना चाहिए सेल्फ लुमिनस. तो क्या होना चाहिए? सेल्फ लुमिनस. तो अगर वो सेल्फ लुमिनस है तो फिर ये फॉर्मूला यूज होगा, d इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा बाय sin बाय 2 sin अल्फा. ठीक है, ये समझ में आपको? ऑलराइट, तो ये जो फॉर्मूला हम लोग को याद रखना चाहिए. तो इस केस में रिजॉल्विंग पावर क्या हो जाएगा फिर? तो रिजॉल्विंग पावर हमेशा क्या होता है, 1/d. तो अगर ये d है तो रिजॉल्विंग पावर जो होगा माइक्रोस्कोप का वो क्या हो जाएगा, 1/d. यानी इसका बोला है अपने पास d इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा बाय 2 sin अल्फा. तो ये किसके लिए था? व्हेन द टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर सेल्फ इल्यूमिनेटेड. बट इफ ए एंड बी आर नॉट सेल्फ इल्यूमिनेटेड तो इसमें ये जो कांस्टेंट है 1.22 ये नहीं आता है. ठीक है, इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं और इसका वैल्यू निकालते हैं तो ये नहीं रहता है. ये हु गेव दिस? इट वाज गिवन बाय अवे या एवे? ठीक है, जो भी है एवे. ओके, इट इज कॉल्ड एवे. ऑलराइट, इट इज कॉल्ड एवे. सो इफ द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट सेल्फ इल्यूमिनेटेड. ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट केस इज इफ वी फिल द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड द ऑब्जेक्ट विद सम ऑयल, दैट इज लेट अस से सेडार रूड ऑयल राइट, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ म्यू है, देन वी फाइंड दैट दिस डिस्टेंस बिकम्स मोर स्मॉल बिकॉज दिस म्यू विल बी ग्रेटर देन 1, म्यू विल बी मोर देन 1, सो व्हाट दिस डिस्टेंस विल बिकम, दिस लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन विल बिकम मोर स्मॉल. सो इफ द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन बिकम्स मोर स्मॉल दैट मीन्स व्हाट, द रिजॉल्विंग पावर विल इंक्रीज राइट. सो दिस इज ऑयल इमर्जन मेथड, दैट द लेंस, द ऑब्जेक्टिव लेंस इज बेसिकली इमर्ज इन द ऑयल only on one side, right? So object, objective or object, के बीच में जो distance है, that distance is filled with oil. That distance is filled with oil. यहाँ बीच में, right? So इसके वजह से ये change हो जाता है form का, यहाँ mu आ जाता है, right? और इसका एक advantage क्या है? Main advantage, इससे limit of resolution जो है, वो अब कम होता है. वो कम होता है, तो resolving power क्या हो जाता है? वो बढ़ जाता है. ये concept में आपको. तो इस तरह से ये यूज किया गया रिजॉल्विंग पावर बढ़ाने के लिए. और दूसरा, ये जो आप देख रहे हो म्यू साइन अल्फा, ये जो आप देख रहे हो ये एक्चुअली क्या है, ये उस लेंस का न्यूमेरिकल एपर्चर है. ठीक है, इस लेंस का जो न्यूमेरिकल एपर्चर है उसका वैल्यू है म्यू साइन अल्फा. ठीक है, समझ में आया आपको? तो ये सारे जो फॉर्मूले ये हम लोगों को याद रखने, ठीक है, उनको वो रिजॉल्व करेंगे. ठीक है, ओके. तो ये मैंने ले लिया टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव लेंस. तो टेलीस्कोप में भी दो लेंस होंगे, एक ऑब्जेक्टिव और एक आईपीस. तो हम लोग उसका कंस्ट्रक्शन डिस्कस करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स में, जिसे दोनों माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप का पूरा कंस्ट्रक्शन डिस्कस करने वाले हैं राइट. और उनका जो रिजॉल्विंग पावर है, उनका उसका जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है वो भी निकालने वाले हैं. बट फिलहाल यहाँ पे सिर्फ हम लोग बेसिक अंडरस्टैंडिंग डिस्कस कर रहे हैं,
कि हाउ डिफ्रैक्शन विल बी यूज्ड इन दिस. ठीक है, वी आर नॉट डिस्कसिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ इट. तो यहाँ पे जैसे मान लो कि अभी एक ये एक डिस्टेंट स्टार, ठीक है, तो ये स्टार से ये रे आ रहा है, ये वन और ये वन. आप लोग ऐसा कैसे स्टार को यह आ रही नहीं, लेकिन ये बहुत छोटा है, इट्स वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू रेज कमिंग फ्रॉम दी स्टार. ठीक है, तो आप ऐसे बोल दो कि ये स्टार वन जो है पहला स्टार, इससे ये रे आ रहा है वन और वन. ठीक है, इस तरह से. और दूसरा जो स्टार है जो इसके पास है, राइट, ये दूसरा स्टार, इससे जो रे आ रहा है उसको हम लोग इसको सॉलिड लाइन कर देते हैं. तो ये और ये दोनों हो गए रे वन, या फर्स्ट स्टार से आने वाले. और ये जो डॉटेड लाइन है ये बोल, ये कौन सा है, स्टार टू से आने वाला. ठीक है, सेकेंड स्टार से आने वाला. तो ऑब्वियसली इसके लिए हमें यहाँ भी बनाना पड़ेगा, राइट. तो ये अगर सेकेंड है तो ये भी सेकेंड है. ये पॉइंट समझ में आया आपको, राइट. दो स्टार से आने वाले रेस. अब ये दो स्टार के बीच में जो एक एंगुलर सेपरेशन है उसको हम लोग ले रहे हैं डी थीटा. उसको हम लोग क्या ले रहे हैं, डी थीटा. तो यहाँ पर ये जो डी थीटा है ये क्या है, ये डी थीटा है एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू डिस्टेंट स्टार्स. व्हाट इज डी थीटा, डी थीटा इज द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द टू डिस्टेंट स्टार्स. इसमें क्या है आप लोगों को, ठीक है, ऑलराइट. तो यहाँ पे ये जो एंगुलर सेपरेशन है दिस विल बी द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन. तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन जो है उसमें दो ऑप्शन हो सकते हैं, एक तो लीनियर सेपरेशन. Sometimes we can call the linear separation as limit of resolution, right? Wherever it is possible. See, microscopic case mein, the distance, the linear distance between A and B is called as limit of resolution. But in case of telescope, the angular separation, because we actually cannot find out the linear separation between these two stars. Linear separation between these two stars cannot be found. But this angular separation can be found out, right? So this angular separation in this case is the limit of resolution. So iska 1 by this will give us the resolving power. Ye point samajh mein aa pe ye jo ray 1 aur 1 jo first star se aa raha ye kahan se aa raha, infinite distance apart, matlab bahut dur hai. To ye kahan pe focus, ye focus pe aake ye rays kya honge, converge honge. ये वन और ये वन, ये जो है फोकस पे आगे ही मिलेगा. तो जो स्टार वन है ये स्टार वन का यहाँ पे इमेज फॉर्म हुआ है, ठीक है. ये वन वन, तो रे वन और वन जो स्टार वन से आ रहे हैं ये दोनों रेस फोकस पे आके मिले हैं इस लेंस के फोकस में, इस लेंस के फोकस पे मिले. और ये स्टार वन जो है उसका इमेज यहाँ पे बना है, समझ में आपको, ठीक है. अब स्टार टू से जो रेज आ रहे हैं वो थोड़े से ऐसे बेंड है, राइट, वो टिल्टेड है. तो ये भी फोकस पे बनेंगे लेकिन एग्जैक्टली यहाँ नहीं, ये इस फोकल प्लेन में बनेंगे. कहाँ बनेंगे, इस फोकल प्लेन में बनेंगे. तो अभी आप देखो कि ये रे और ये रे आप देखोगे तो ये रे यहाँ पे जो है एक्चुअली यहाँ से अगर आपने परपेंडिकुलर डाला ऐसे तो आप देख सकते हो कि ये कुछ एक्स्ट्रा ट्रैवल कर रहा है, राइट. तो ये डिस्टेंस अगर कुछ ए है, ये यहाँ से यहाँ पर ये लेंस का जो एपर्चर है वो मैं ए ले लूँ, ये डी थीटा है, तो ये जो एंगल है ये एंगल भी डी थीटा हो जाएगा. तो ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए डी थीटा, राइट. तो कॉरस्पॉन्डिंगली उसको इधर भी कुछ ए डी थीटा एक्स्ट्रा ट्रैवल करना पड़ेगा, समझ में आ रहा आपको. तो इसलिए ये थोड़ा सा ऊपर आके मिलेगा, नीचे वाले थोड़ा सा एक्स्ट्रा ट्रैवल करना पड़ेगा, ये समझ में आपको. क्योंकि यहाँ पे ऊपर वाला रे एक्स्ट्रा ट्रैवल कर रहा है ए डी थीटा, तो यहाँ पे जो नीचे वाला रे है उसको एक्स्ट्रा ट्रैवल करना पड़ेगा ए डी थीटा, ताकि नेट पार डिफरेंस क्या हो जाए, जीरो हो जाए. इस वजह से ये जो दूसरा स्टार है ये एग्जैक्टली फोकस पे बनेगा, इस पॉइंट पे तो नहीं बनेगा, वो फोकल प्लेन में बनेगा. बनेगा फोकस पे लेकिन फोकल प्लेन में बनेगा, यानी इसके ऊपर यहाँ पे बनेगा,
तो ये बना पहला और ये दूसरा स्टार, तो समझ में आपको, ठीक है। अब जब हम बोल रहे हैं कि यार इमेज बनेगा, तो कहने का मतलब क्या है, एक डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा। क्या बनेगा? एक डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा। तो ये जो है इसका डिफ्रैक्शन पैटर्न, राइट, वो इसका ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, राइट, इसके सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, और इसका ये जो यहाँ पे ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बना है, राइट, ये, और ये होना चाहिए फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। किसका है? तो ये है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज फर्स्ट, और ये है फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा फर्स्ट। यानी जो पहला डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा, पहले ऑब्जेक्ट का जो डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा, उसका ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, उसी का ये फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा है। तो सेकेंड ऑब्जेक्ट का सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज यहाँ होना चाहिए, एग्जैक्टली। तो फिर क्या होंगे, ये दोनों स्टार क्या हो जाएंगे? जस्ट रिजॉल्व। दोनों स्टार्स क्या हो जाएंगे? जस्ट रिजॉल्व, है कि नहीं? ये हमें क्लियरली दिखाई देते हैं, समझ में आप लोगों को? तो ये इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, सेकेंडरी मिनिमा है इसका। राइट, इस वाले का। तो ये है फर्स्ट, ये देखो मैंने फर्स्ट 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 मार्क किया है इस पे, ये फर्स्ट वाले का डिफ्रैक्शन पैटर्न है, क्लियर है। और ये मैंने यहाँ पे सेकंड सेकंड मार्क किया, ये सेकंड वाले का डिफ्रैक्शन पैटर्न है, करेक्ट, सेकंड वाले का। तो फर्स्ट वाले का जो ये फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा है, और सेकेंड वाले का जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, ये दोनों एक जगह पे लाई करेंगे, तो ये दोनों जो इमेज फॉर्म हो रहे हैं डिफ्रैक्शन पैटर्न के थ्रू, ये दोनों इमेज जो है वो जस्ट रिजॉल्व होंगे, और दोनों स्टार्स वो क्लियरली हमें दिखेंगे। ये पॉइंट समझ में आपको? ठीक है। अब आप देखो कि इस ये होने के लिए क्या होना चाहिए, मतलब जस्ट रिजॉल्व होने के लिए क्या होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पार्ट डिफरेंस, क्योंकि ये तो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, अब इसकी बात नहीं करेंगे हम लोग, बात करेंगे सेकेंड स्टार का जो इमेज है वो किधर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। और तो और वो निकालने के बाद हम लोग वहाँ से निकाल सकते हैं डी थीटा, और डी थीटा निकालने के बाद हमें मिल जाएगा डी थीटा, क्या होगा? डी थीटा होगा लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, एंगुलर सेपरेशन, क्या होगा वो? एंगुलर सेपरेशन। और वो मिलने के बाद हम रिजोल्विंग पावर निकालेंगे। तो बेसिकली हमारा गोल क्या है कि वो d तक पहुँचो या d थीटा तक पहुँचो। d मतलब लीनियर सेपरेशन जो हमने माइक्रोस्कोप के केस में किया था, स्मॉल d तक हम पहुँचे थे। कैसे पहुँचे थे? तो इमेज पे कंडीशन लगा, मैंने बताया था आपको x sub d is equal to d lambda by a, तो x, और उस x से हम पीछे जाएंगे तो हमें d मिलेगा, और जब d मिलेगा लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन मिनिमम डिस्टेंस, तो हमें रिजोल्विंग पावर मिलेगा। ये कंसेप्ट समझ में आपको? तो यहाँ भी ऐसे ही है, हम कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन लगा के हम डी जो यहाँ पे फर्स्ट डिफ्रैक्शन पैटर्न है, अगर मैंने सिर्फ फर्स्ट डिफ्रैक्शन पैटर्न बनाया अलग से, राइट, तो ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज हुआ, और इसका ये फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा जो है वो लैम्डा बाई ए पे लाई करेगा। किस पे लाई करेगा वो? लैम्डा बाई ए। अगर आप अलग से ऑब्जर्व करोगे फर्स्ट के फर्स्ट ऑब्जेक्ट के डिफ्रैक्शन पैटर्न को, तो ठीक है, राइट, लैम्डा बाई ए पे वो बनेगा, है ना, ठीक है। ये होगा इसका थीटा वन, ये होगा इसका एंगुलर पोजीशन, बताया था मैंने आपको लीनियर पोजीशन और एंगुलर पोजीशन, तो ये होगा इसका एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। ये पॉइंट समझ में आया? अच्छा, आप इसको भूल जाओ, अब आप सिर्फ देखो कि ये जो यहाँ पे है, राइट, जो ये वाला बनता है सेकेंडरी, ये जो सेकेंड स्टार का जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनता है, अभी यहाँ पे ये जो पार्ट डिफरेंस है ए डी थीटा, राइट, ये जो रे आ रहा है, ये वाला रे और ये वाला रे, यानी ये दोनों सेकेंड के लिए, ये दोनों रे के लिए पार्ट डिफरेंस कितना होगा? वो पार्ट डिफरेंस होगा ए डी थीटा, करेक्ट। तो अगर यहाँ पर इसका सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनना है, तो ये जो पार्ट डिफरेंस है, दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट? दिस शुड बी इक्वल टू लैम्डा। तो यहाँ पे दिस शुड बी इक्वल टू लैम्डा, तो यहाँ से डी थीटा कितना निकल के आएगा? वो निकल के आ जाएगा लैम्डा बाई ए, ठीक है। तो ये जो डी थीटा है, दिस इज व्हाट? दिस इज द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द टू स्टार्स, ठीक है। ऑलराइट, तो ये जो डी थीटा का वैल्यू आता है लैम्डा बाई ए, दिस इज एक्चुअली द वैल्यू दैट कम्स आउट फॉर द रेक्टेंगुलर अपर्चर, राइट।
बट फॉर सर्कुलर अपर्चर, तो ये जो रिजल्ट है दिस होल्ड गुड फॉर रेक्टेंगुलर अपर्चर, बट फॉर सर्कुलर अपर्चर दिस वैल्यू एक्चुअली कम्स आउट टू बी 1.22 लैम्डा बाय ए. तो 1.22 लैम्डा बाय ए दिस वैल्यू कम्स आउट फॉर सर्कुलर सर्कुलर अपर्चर. ऑलराइट, ठीक है. तो ये बीट क्या मिल गया अपने को, यहाँ से रिजॉल्विंग पार्ट क्या होगा, मैंने बताया था आपको रिजॉल्विंग पार्ट, क्योंकि दिस इज द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, दिस इज द एंगुलर लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन. तो रिजॉल्विंग पार्ट क्या होगा, वो होगा 1/dt, 1/, एंड इसका उल्टा, तो वो हो जाएगा a by 1.22 लैम्डा, a by 1.22 लैम्डा. समझ में आया? तो यहाँ से ये समझ में आया कि जिस टेलीस्कोप में लार्ज डायमीटर होगा, राइट, बहुत बड़ा डायमीटर होगा, वो क्या करेगा आपको, वो आपको ज़्यादा रिजॉल्विंग पावर देगा. कैसे? जिस टेलीस्कोप का जो ये ऑब्जेक्टिव है उसका डायमीटर बड़ा होगा, क्योंकि ये डायमीटर का क्या लिया आपने, a लिया ना, तो a जिसके लिए बड़ा होगा उसके लिए रिजॉल्विंग पावर क्या होगा, बड़ा होगा. समझ में आया आपको? तो सबसे बड़ा टेलीस्कोप कौन सा है, हबल टेलीस्कोप. तो यहाँ पे आप देखो ये जो a डिजिट है, राइट, a डिजिट ये कैसे आया, तो बेसिकली ये होना चाहिए था a साइन डी थीटा, बट डी थीटा इज वेरी स्मॉल, तो इसलिए हमने क्या लिखा है उसको, इसलिए हम उसे अप्रॉक्सीमेट कर दिया a d थीटा, राइट. और ये a d थीटा, ये भी पार्ट डिफरेंस कितना है, a d थीटा. तो ये जो रे है, ये वाला रे और ये वाला रे, इस दो रे के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना है, a d थीटा, करेक्ट, ठीक है. तो ये जो दो रे है ये किससे आ रहे हैं, ये सेकेंड स्टार से आ रहे हैं, किससे आ रहे हैं, सेकेंड स्टार से. लेकिन ऐसे दो रे फर्स्ट स्टार के भी होंगे, ऐसे दो रे किसके होंगे, फर्स्ट स्टार, क्योंकि ये यहाँ पे लेंस है. आप इस चीज की कोशिश करो कि अगर मैं ये सेकेंड मिटा दूँ, अगर मैं ये सेकेंड पूरा मिटा ही दूँ यहाँ से, मतलब सिर्फ ये लेंस हो और सिर्फ ये फर्स्ट रे हो, तो ये जो फर्स्ट रे है ये एक तो सेंट्रल मैक्सिमा देगा मुझे, और इसी फर्स्ट रे का थोड़ा सा डिफ्रेक्शन यहाँ पे होगा, वो मुझे क्या देगा, वो मुझे देगा फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, यानी ये फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा वन का और सेंट्रल राइट फ्रिंज वन का, ये दोनों मुझे फर्स्ट स्टार से भी मिलने वाले हैं. ये पॉइंट समझ में आ रहा आपको, ये तो सेंट्रल राइट फ्रिंज वन और फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा वन, यानी ये जो रे है ये वन के लिए भी ऐसा रे मिलेगा, यानी क्योंकि उसका मुझे क्या मिलने वाला है, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा मिलने वाला है ना, तो ये पैटर्न मुझे मिलेगा जहाँ पे ये हो जाएगा इस तरह से सेंट्रल राइट फ्रिंज, जो मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम बनाया है, ये पॉइंट समझ में आ रहा आपको. और यही सेम रे ये वाला मुझे मिलेगा इससे भी, सेकंड वाले से भी, ये सेकंड स्टार जो है उससे भी मुझे मिलने वाला है, और वो भी उधर कन्वर्ट होने वाला है. ये पॉइंट समझ में आपको? तो सेकंड वाला तो कन्वर्ट हो रहा है उस पॉइंट पे, राइट, उस पॉइंट पे. किस पॉइंट पे कन्वर्ट हो रहा है, जहां पे फर्स्ट वाले का फर्स्ट सेकेंड नियम हुआ है, इसलिए हमने कंडीशन सिर्फ फर्स्ट वाले पे लगा दी. तो हमने ये बोल दिया कि फर्स्ट वाले का जो पार्ट डिफरेंस है वो मिनिमा देने के लिए शुड बी इक्वल टू एन लैम्डा, एंड टू गिव फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा इट शुड बी इक्वल टू ओनली लैम्डा. तो वहां से हमें डी थीटा मिल गया. ये पॉइंट समझ में आपको, करेक्ट, ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है.